नमस्ते बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बुद्धिवर्धक कहानी के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है हिरण की चालाकी। इस पाठ में हम पाएंगे, हम देखेंगे कि अपने बुद्धि बल के आधार पर, बुद्धि के बल पर हिरण कैसे अपनी जान की रक्षा करता है। इस पाठ में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। इस पाठ में प्रारंभ में कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, आइए हम लोग उसका उच्चारण करते हैं, अभ्यास करते हैं। भेड़िया, छाया, मीठी, कांपने, आराम। आइए हम लोग इस पाठ का वाचन करते हुए इसके भावार्थ को समझते हैं। दोपहर का समय था, एक हिरन पेड़ की छाया में खड़ा था। तभी उसे दूर से आता हुआ एक भेड़िया दिखाई दिया। हिरन ने डरकर भागना चाहा। भेड़िया बोला, डरो मत, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं तुम्हारे पास छाया में खड़ा होना चाहता हूँ। हिरन ने सोचा, भेड़िया पास आया तो मुझ पर हमला कर सकता है। हिरन उस सही सोचा है, चूंकि भेड़िया एक हिंसक जानवर है, वह हिरण को खाने के लिए ही उसी उद्देश्य से, अर्थात खाने के उद्देश्य से हिरण के पास आया था। जैसे ही हिरण भेड़ियों को देखता है वह डर जाता है और भागना चाहता है। तब कहता है भेड़िया के, रुको 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 रुको, भागो मत, अरे मुझे तो काफी गर्मी लग रही है, मैं तो उस पेड़ के पास, उस पेड़ की छाया में आराम करने के लिए आ रहा हूँ, हम दोनों उसी जगह आराम करेंगे। तुम वहां पहले से हो ही और मैं भी वहां आ रहा हूँ, दोनों मिलकर के आराम करेंगे, बात करेंगे। लेकिन इस बात को वह भेड़िया जिस उद्देश्य से आ रहा था, इस बात को हिरन भली भांति समझ गया। तभी भेड़िया मीठी मीठी बातें बनाता हुआ बोला, भागो मत भैया, यहाँ छाया में बैठकर दोनों बातें करेंगे। भेड़िया बोलता है कि भैया रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर के उसी पेड़ की छाया में बात करेंगे। हिरन ने अपने मन में कुछ सोचा, फिर बोला, हाँ, क्यों नहीं, छाया में बैठकर दोनों नहीं तीनों मजे में बातें करेंगे। अब देखिए हिरन कितनी बुद्धिमता पूर्वक अपनी चतुराई से कुछ सोचता है और फिर भेड़िए से कहता है कि हाँ, आओ, क्यों नहीं, हम दोनों नहीं तीनों मिलकर आराम करेंगे। जब तीनों की नाम सुनता है कौन, भेड़िया, तो आश्चर्य करता है, करे तीनों कौन, एक तो तुम हो, एक मैं हूं, तो संख्या में तो दो ही हो गई, इसमें तीसरा कौन है। भेड़िए ने पूछा, यह तीसरा कौन है। हिरन बोला, तीसरा है मेरा मित्र शेर, बस अभी आने ही वाला है, आ जाओ, उससे मिलकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब देखिए वह जो हिरन है अपने बुद्धि के आधार पर, बुद्धि से कहता है कि अरे आओ आओ, हम लोग तो दो ही नहीं तीनों मिल करके इस छाया में, इस पेड़ की छाया में बैठेंगे, बात करेंगे, आराम करेंगे। वह भेड़िया सुनता है कि तीनों, तो
अश्रज के साथ पूछता है हिरण से कि तीनों कौन। तब हिरण कहता है कि अरे एक मेरा मित्र है शेर, वह भी अभी आने ही वाला है यहाँ आराम करने के लिए, तो हम एक हम हुए, एक तुम और एक मेरा मित्र शेर, तीनों मिल करके यहाँ बात करेंगे, आराम करेंगे, छाया का आनंद लेंगे और हम तीनों को बहुत ही मजा आएगा। भेड़िया शेर का नाम सुनकर कांपने लगा। वह जो भेड़िया था, चूंकि आप तो जानते ही हो कि शेर जंगल का राजा होता है, वह महाशक्तिशाली होता है, वह जब आता तब भेड़ियों को मार करके तो खा जाता, भेड़िया उसका ग्रास बन जाता, वह खा ही जाता शेर। जब शेर की बात सुनता है भेड़िया तो डर जाता है, कांपने लगता है थर थर। आपको भी जब कभी डर लगता है किसी चीज से कांपने लगते हो ना, तो वह जो भेड़िया है शेर की आवाज सुन करके, शेर के आने की बात सुन करके कांपने लगता है। तब क्या होता है, वहां से भागता भागता बोला, भैया मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, फिर आऊंगा। देखो बाबू, शेर की आने की बात सुन करके वो भेड़िया तुरंत भागने लगता है, भागने लगता है। तब क्या होता है कि वह हिरन कहता है कि अरे अरे रुको, तो क्यों भागने लग, क्यों जाने लगे। तब कहता है भेड़िया कि अरे भैया मुझे एक बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे पहले से काम याद नहीं था, अभी अभी याद आया, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा। तो देखो बाबू, उसको कोई काम नहीं था, लेकिन वह क्या हुआ, वह भेड़िया शेर से डर गया। और इस बात को वह कैसे बताए हिरन से कि मैं डर गया हूँ, मैं भाग जा रहा हूँ, नहीं तो शेर मुझको खा जाएगा। वह तो समझ ही रहा था कि भागना ही जरूरी है, नहीं तो अगर शेर आया तो मुझे खा जाएगा, इसलिए वह बात बना करके वहां से भागने लगा। और वह कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम मुझे याद आ गया है, फिर मैं बाद में आऊंगा। अब हिरण छाया में आराम से लेट गया। उसके बाद क्या होता है कि वह भेड़िया वहां से चला जाता है, भाग जाता है, और हिरण निश्चिंत होकर के बिना डर के आराम से उस पेड़ की छाया में आराम करने लगा, उसका आनंद लेने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से जरा आप सोचिए कि क्या शिक्षा मिलती है। मैं बता दूं कि इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत आने पर, संकट आने पर अपने बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने बुद्धि का, ज्ञान का उपयोग करते हैं तो कठिन से कठिन समस्या ही हल हो जाता है। हम अपनी चतुराई के बल पर, अपने सूझबूझ के बल पर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, संकट आने पर अपनी बुद्धि से उसका हम निदान कर सकते हैं। कैसे, जैसे हिरण ने अपने बुद्धि के बल पर, अपने चतुराई के बल पर ऐसा कर दिखाया, नहीं तो वो भेड़िया उसको मार ही देता। तो उसने एक शेर का बात बनाया और अपने को बचा लिया। दूसरी बात कि उसके पास हिम्मत थी, बुद्धि तो था ही, हिम्मत भी, साहस भी था उसके पास, तभी उसने साहस के साथ उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसा बात कहा, नहीं तो वह क्या करता, डर करके भाग जाता स्वयं हिरण। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें
संकट से घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से, साहस से, अपने सूझबूझ के तहत, सूझबूझ से उस समस्या का समाधान करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कहानी को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसमें कुछ है, प्रश्न हैं जो इसी पाठ पर आधारित हैं, बिल्कुल सहज प्रश्न है। आप लोग इसको अपने नोटबुक पर इसका रिटर्न कीजिएगा। अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत आएगी, जो ना समझ में नहीं बात आई होगी, तो विद्यालय खुलने पर हम लोग उसका समाधान मिलजुल करके कर लेंगे, उसका हल हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद।